तो हो गई जी। तो कुछ वीडियो के अंदर आपको इधर से देखो एक इंस्टेंट पेमेंट वाला लूट बताऊंगा, जिसमें आप जस्ट विदाउट केवाईसी आप इधर से देखो $10 लपेट पाओगे, और देखो केवाईसी कर लेते हो तो आप इधर से देखो $25 पर अकाउंट पे इधर से देखो लपेट पाओगे। एकदम देखो इंस्टेंट लूट होने वाला है, तो जो जो बता रहा हूँ इधर से देखो फास्ट कर लेना। फर्स्ट देखो करना क्या, टेलीग्राम पे आना, टेलीग्राम पे आओगे जस्ट कुछ इस प्रकार का देखो लिंक देखने को मिलेगा, जस्ट देखो लिंक पे क्लिक करना है। जो लिंक पे क्लिक करोगे जो भी ब्राउजर उसमें जस्ट लिंक को ओपन कर लेना, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इधर से देखो जो भी अपना ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड देन देखो अपना जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको जस्ट अप्लाई करके यहाँ पे देखो जस्ट साइन अप पे क्लिक करना। जो साइन अप पे क्लिक करोगे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को जस्ट इधर से देखो वेरीफाई करके अकाउंट इधर से आपको देखो लॉग इन कर लेना है। पहले देखो छोटा सा काम आपको इधर से देखो वेबसाइट में कर लेना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा वो देखो इधर से बता देता हूँ। एप्लीकेशन में करोगे थोड़ा सा देखो दिक्कत आएगा, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट में कर लेना आपके लिए इधर से देखो इजी रहने वाले। फर्स्ट देखो यहाँ पे मैं अकाउंट वगैरह अपना लॉग इन कर लेता। अभी देखो $10 लेने के लिए आपको इधर से देखो थोड़ा सा फंड का नीड पड़ेगा, वो दिक्कत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करना पड़ेगा, बस आपके पास फंड रहना चाहिए, इंस्टेंट देखो विड्रॉ कर सकते हो, वो देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो $25 या फिर देखो $26 आपके पास रहना चाहिए तभी इस लूट को देखो लूट पाओगे। अभी देखो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ काम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जस्ट वेबसाइट में आ जाना, आपको इधर से देखो सिक्योरिटी मेथड जो रहता है मतलब मोबाइल नंबर वगैरह एंड गूगल ऑथेंटिकेशन वो इधर से देखो बाइंड करना पड़ेगा, जो कि देखो एप्लीकेशन में थोड़ा सा एरर आएगा ओटीपी वगैरह का। जस्ट वेबसाइट में आ जाना, इधर से देखो अपना जो भी प्रोफाइल का लोगो है जस्ट यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इधर से देखो सिक्योरिटी सेटिंग करके, इस पे जस्ट क्लिक करके आपको इधर से देखो फर्स्ट तो अपना जो भी नंबर वगैरह रहता है वो इधर से देखो नंबर बाइंड कर लेना, देन देखो इधर से गूगल ऑथेंटिकेशन रहता है वो इधर से देखो बाइंड कर लेना, ये दोनों चीज़ इधर से देखो बाइंड कर लेना। बाइंड करने के बाद जस्ट यहाँ पे देखो होम पेज पे आ जाना, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके होम पेज पे आ जाना। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आपको इधर से देखो चैनल पे लिंक वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा। इधर से देखो डाउनलोड पे क्लिक करना, गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे देखो एंड्रॉइड देन देखो गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट देखो रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे जाने का जस्ट ओपन पे टाइप करना, आप देखो केवाईसी करना चाहते हो आपको देखो $25 चाहिए तो जस्ट इधर से देखो केवाईसी पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आना, आने का जस्ट प्रोफाइल पे टाइप करना है, प्रोफाइल पे टाइप करने का अभी के टाइम में देखो मेरा अंडर रिव्यू, देखो केवाईसी कैसे करना है वो देखो इधर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अनवेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे, जस्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बेसिक सा डिटेल मांगेगा, जैसे आप अपनी आईडी का देखो फ्रंट एंड बैक पेज है वो रहता है वो मांगेगा, फिर देखो फेस वेरिफिकेशन लेगा, बस ये तीन चीज लेगा आपका इधर से देखो केवाईसी लग जाएगा। अभी देखो करना क्या है, मेन सिस्टम क्या है वो देखो इधर से बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे देखो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, देन देखो अपना सेम अकाउंट है वही वाला इधर से देखो लॉगिन कर लेना। जस्ट यहाँ पे देखो वॉलेट पे आ जाना, आने के बाद वॉलेट पे आने के बाद जस्ट इधर से देखो फ्यूचर का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करके इधर से देखो एक बोनस का सेक्शन मिलेगा, जस्ट देखो बोनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट टास्क आपको इधर से देखो मिल जाता है कि आप इधर से देखो विदाउट केवाईसी वगैरह करें आप जस्ट $25 का डिपॉजिट करके उसको जस्ट फ्यूचर वॉलेट में आप इधर से देखो ट्रांसफर कर देते हो, आपको इधर से देखो $10 इंस्टेंट मिल जाएगा, जो कि देखो फ्यूचर बोनस रहेगा। एंड इधर से देखो लगभग 135x के लेवरेज के साथ आपको इधर से देखो $10 का फ्यूचर बोनस प्रोवाइड करा देगा। अभी देखो नीचे में एक और टास्क मिलता है जो कि देखो एडवांस ट्रांसफर $25, ये सब लगता आपको इधर से देखो नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे देखो फोकस करना है, एक तो देखो फर्स्ट वाला एंड एक देखो इधर से ये लास्ट वाला है पास केवाईसी, देन देखो $25 इधर से देखो ट्रांसफर करोगे तो आपको इधर से देखो $15 प्रोवाइड करा जाएगा। $15 ये वो नॉन केवाईसी करे हुए आप इधर से देखो $25 ट्रांसफर करोगे तो $10 ये टोटल इधर से देखो $25 का फंड लगेगा एंड $25 आपको इधर से देखो फ्यूचर बोनस में देखने को मिलेगा। बाकी आप इधर से देखो रूल वगैरह भी पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कि देखो मैंने बताया कि $25 आपको इधर से देखो आपके अपने फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड आपको इधर से देखो $10 दिया जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे नो केवाईसी रिक्वायरमेंट है। एंड दूसरे में देखो इधर से कंप्लीट योर केवाईसी एंड फ्यूचर बैलेंस $25 मोर देन रिसीव एंड $15, मतलब इधर से देखो आपका केवाईसी होना चाहिए और फ्यूचर अकाउंट में इधर से देखो $25 होना चाहिए एंड आपको इधर से देखो $15 प्रोवाइड होगा, मतलब केवाईसी करके $25 आप इधर से देखो फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो आपको इधर से देखो $15 और दिया जाएगा, $15 ये और $10 वो, टोटल इधर से देखो $25 होगा। नीचे वाला एडवांस ट्रेडिंग टेयर ये वाला रहने दो, बस ये दो पे फोकस करो, इधर से देखो एक तो केवाईसी वाला हो गया एंड एक इधर से देखो नॉन केवाईसी वाला होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है वो देखो इधर से बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे देखो कट वगैरह कर देना, कट करने के बाद आपको इधर से देखो $25 कोई सा भी एक टोकन देखो इधर से डिपॉजिट कर लेना, मेरी मानो तो इधर से देखो TRX में कर लेना। जस्ट यहाँ पे देखो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो TRX सर्च कर लेता हूँ, TRX आ गया। जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह मिल रहा है, जस्ट एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ एंड जिस भी एक्सचेंज से लेना चाहते हो वो इधर से देखो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मिनिमम जो डिपॉजिट है वो इधर से देखो $50 है एंड विड्रॉ भी आपको इधर से देखो मिनिमम देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट इधर से देखो एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर से देखो $25+ का इधर से देखो डिपॉजिट कर लेता, डिपॉजिट कर लिया जो कि देखो TRX डिपॉजिट करा है। तो फर्स्ट करता हूँ यहाँ पे देखो ट्रेड पे जाता हूँ और जो भी TRX डिपॉजिट किया है इसको देखो इधर से USDT में कर लेता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद थ्री डॉट पे टैप करा, टैप करने के बाद जस्ट इधर से देखो TRX टाइप कर देता हूँ, TRX एंड USDT के पेयर में इधर से देखो आ गया। तो जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो TRX पड़ा है तो जस्ट इसको देखो सेल कर देता हूँ, करने के बाद 100% देन देखो इधर से सेल कर देता हूँ एंड देखो इधर से ऑर्डर प्लेस हो गया एंड इधर से देखो सारा फंड मेरा USDT में हो गया। तो अभी करता क्या हूँ, जस्ट इधर से देखो ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद स्पॉट वॉलेट में पड़ा USDT तो
जस्ट इसको देखो आल करता हूँ, देन देखो इधर से फ्यूचर में ट्रांसफर कर देता हूँ, जस्ट कंफर्म करता हूँ। एंड देखो एरर आ रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो फ्यूचर पे आके अपना जो भी फ्यूचर अकाउंट रहता है वो इधर से देखो फर्स्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अगेन इधर से देखो बैलेंस पे आता हूँ, आने के बाद जस्ट स्पॉट पे आ गया, आने के बाद जस्ट ट्रांसफर, देन देखो इधर से ऊपर स्पॉट वॉलेट, नीचे देखो इधर से फ्यूचर अकाउंट रहेगा, तो जस्ट आल पे क्लिक करना, कंफर्म पे क्लिक करना। इस बार आपका इधर से देखो हो गया, अभी देखो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। अभी देखो फ्यूचर वाले ऑप्शन पे आओ, आने के बाद जस्ट बोनस वाले पे आओ, बोनस वाले पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे देखो जस्ट वेट करना, यहाँ पे देखो जस्ट सर्किल वगैरह घूमेगा, एंड यहाँ पे देखो जस्ट एक रिसीव का एक बटन आ जाएगा, जो कि हमने देखो फर्स्ट वाला टास्क करा है, तो जस्ट इधर से देखो एक रिसीव का बटन आ जाएगा, एंड जस्ट आपको इधर से देखो रिसीव वगैरह कर लेना। जस्ट नीचे में जाता हूँ, जाने के बाद इधर से देखो एक रिसीव का बटन आ गया, जस्ट यहाँ पे देखो रिसीव का बटन आ गया, जस्ट इसको देखो जस्ट रिसीव पे टैप करना है। एंड जो ही देखो रिसीव पे टैप करोगे आपका इधर से देखो $10 इंस्टेंट देखो क्लेम हो गया, जस्ट डिपॉजिट करा, ट्रांसफर करा फ्यूचर में, एंड आपका इधर से देखो $10 इंस्टेंट क्लेम हो गया। एंड आपका इधर से देखो KYC रहा होगा तो जस्ट यहाँ पे आके भी करोगे ये वाला, तो जस्ट इधर से देखो रिसीव पे क्लिक करता हूँ, रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बोल रहा है कि मेरा KYC नहीं हुआ है, तो KYC मस्त कर लेना, KYC करने के बाद करोगे तो भी आपका इधर से देखो $15 ये मिलेगा, $10 वो मिलेगा, और KYC नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो विड्रॉल के लिए KYC का भी नीड नहीं है, तो $10 मिल रहा है वो भी देखो बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इधर से देखो यहाँ पे जाता हूं, आने के बाद जस्ट अपना देखो जो भी फ्यूचर अकाउंट में फंड पड़ा है पहले उसको देखो स्पॉट में ले लेता हूं, जस्ट यहां पे आ जाता हूं फ्यूचर, देन देखो इधर से आल पे क्लिक करके अपना जो भी USDT का फ्यूचर अमाउंट में पड़ा है उसको जस्ट यहां पे देखो स्पॉट में कर लेता हूं, जस्ट कंफर्म पे क्लिक करता हूं, इधर से देखो मेरा हो गया। होने के बाद जस्ट यहां पे आता हूं, आने के बाद जस्ट देखो यहां पे फ्यूचर अकाउंट पे आ जाता हूं, यहां पे आने के बाद जस्ट यहां पे देखो अवेलेबल में मेरा 10 USDT दिखा रहा है, जो कि देखो मैंने अभी के टाइम में क्लेम करा है, तो जस्ट यहां पे देखो पेयर कौन-कौन सा सिलेक्ट करूंगा वो देखो इधर से बता देता हूं। अभी के टाइम में इधर से देखो BNB बहुत ज्यादा अप जा रहा है, तो जस्ट BNB को सिलेक्ट करता हूं, BNB नहीं मिलेगा तो कोई भी एक देखो इधर से पेयर सिलेक्ट कर लेना, करने के बाद जस्ट इधर से देखो, करने के बाद इधर से देखो यहाँ पे क्रॉस रहेगा, क्रॉस पे क्लिक करके जस्ट इधर से देखो आइसोलेटेड कर देना, करने के बाद जस्ट कंफर्म कर देना, करने के बाद देखो लेवरेज सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो लेवरेज इधर से देखो आल करना चाहते हो तो आल कर सकते हो, नहीं तो इधर से देखो जितना रह रहा है 35 या फिर देखो जितना भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं इधर से देखो आल कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कंफर्म पे टैप करता हूँ, टैप करने के बाद इधर से देखो लॉन्ग शॉर्ट जो भी करना चाहते हो इधर से देखो कर सकते हो, जैसे देखो इधर से मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, करने के बाद जस्ट देखो कंफर्म पे टैप करता हूँ, एंड आपका इधर से देखो ट्रेड वगैरह लग जाएगा, जस्ट यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद ओपन ट्रेड पे जस्ट यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद इधर से देखो मेरा पोजीशन वगैरह लग गया है, जितना भी प्रॉफिट होता है यहाँ पे देखो जितना भी आप इधर से देखो प्रॉफिट में या जस्ट क्लोज वगैरह करना चाहते हो क्यों क्लोज पे जस्ट क्लिक करना है, आपका इधर से देखो क्लोज वगैरह हो जाएगा, उसमें जितना भी प्रॉफिट बुक होता है उसको देखो डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो। बाकी देखो जो भी फंड आपने इधर से देखो डिपॉजिट किया है उसको जस्ट यहाँ पे देखो विड्रॉ वगैरह कर लेना, जस्ट ट्रेड पे आता हूँ, USDT पड़ा है अभी के टाइम में, तो उसको जस्ट यहाँ पे देखो USDT को सेल करके जस्ट देखो TRX में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जस्ट बाय पे क्लिक करता हूँ TRX को, एंड जस्ट यहाँ पे देखो 100% कर देता हूँ, बाय TRX पे जस्ट क्लिक करता हूँ, मेरा TRX बाय हो गया। अभी देखो करता क्या हूँ, जस्ट इधर से देखो स्पॉट पे आ जाना, आने का जस्ट विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, TRX जस्ट मेरे पास पड़ा है, TRX को जस्ट इधर से देखो सिलेक्ट किया, करने के बाद इधर से देखो जिस भी एक्सचेंज से लेना चाहते हो वो इधर से देखो ले सकते हो। बाकी देखो अभी जो भी रहता है KYC होने तक का वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इधर से देखो मैक्स कर देता हूँ, करने का तो फी देखो इधर से 0.5 TRX का जस्ट इधर से देखो फी लग रहा है, तो जस्ट यहाँ पे देखो कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करने का अगेन इधर से देखो कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ईमेल का OTP मांगेगा, देन देखो नंबर, देन देखो गूगल ऑथेंटिकेशन का भी इधर से देखो OTP मांगेगा, तो इतने सारे को OTP डालोगे जस्ट यहाँ पे देखो नंबर का तो इंस्टेंट आ जाएगा व्हाट्सअप पे, तो जस्ट यहाँ पे देखो नंबर का डाल दिया, अभी देखो बात आता है ईमेल का डालने का, तो जस्ट यहाँ पे देखो ईमेल को ओपन करते जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन का भी OTP डाल दिया, सारों का डाल दिया, जस्ट इधर से देखो कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करूंगा इधर से देखो मेरा विड्रॉ लग जाएगा। बाकी देखो जितना भी प्रॉफिट करोगे इंस्टेंट देखो विड्रॉ कर पाओगे, तो जितना जल्दी हो सके इधर से देखो लूट लेना, कभी भी देखो लूट ओवर हो जाएगा। बाकी बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।